प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बॉटनी जो बीएससी पार्ट सेकंड है उसका बॉटनी का थर्ड पेपर शुरू करने जा रहे हैं। बीएससी पार्ट सेकंड पेपर का नाम है, जो थर्ड पेपर है, तीसरा जो प्रश्न पत्र है उसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका नाम क्या है। देखिए नाम क्या है इसका थर्ड पेपर का, साइटोजेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग इवोल्यूशन एंड बायो स्टेटिक्स ये इसका नाम है। हिंदी में लिखना चाहें तो कोशिका अनुवांशिकी, कोशिका अनुवांशिकी पादप प्रजनन विकास या जैव विकास एवं जैव सांख्यिकी ये अपना थर्ड पेपर है जिसके अंदर ये चार टॉपिक हैं। पहला जो टॉपिक है साइटोजेनेटिक्स कोशिका अनुवांशिकी, दूसरा जो है वो प्लांट ब्रीडिंग पादप प्रजनन, तीसरा जो है वो इवोल्यूशन विकास के बारे में है, और जो फोर्थ जो टॉपिक है उसका नाम है बायोस्टेटिक्स जिसको हम जैव सांख्यिकी कहते हैं। देखिए ये चार टॉपिक है इस पेपर के अंदर, सभी को हम एक एक करके आने वाली क्लासों में करेंगे। आज जो हम सबसे पहले जो फर्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करते हैं, साइटोजेनेटिक्स। इसके अंदर देखिए दो शब्द हैं, एक तो है साइटोलॉजी, क्या है साइटोलॉजी, और दूसरा जो है जेनेटिक्स। ये जो साइटोलॉजी विज्ञान की एक ब्रांच है जिसका नाम है कोशिका विज्ञान, क्या है कोशिका विज्ञान, ये अलग से एक शाखा है साइंस की जिसके अंदर हम सेल, वो सेल चाहे प्लांट सेल है चाहे वो एनिमल सेल है, ठीक है, अपने यहां किसकी बात करेंगे प्लांट सेल की बात करेंगे, तो सेल सेल की प्लांट सेल चाहे एनिमल सेल इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि इसकी संरचना किस प्रकार की है। साथ ही साथ हम बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बात करते हैं, फिर सेल के साथ साथ हम बात करते हैं इस सेल के अंदर पाए जाने वाले जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गन्स, सेल ऑर्गेनेल्स जिसको हम कहते हैं कोशिकाओं, उनके बारे में हम बात करते हैं। कोशिका के अंदर आपको पता है डिफरेंट टाइप के जो सेल ऑर्गन्स हैं वो पाए जाते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर, कुछ जो सेल ऑर्गन्स हैं वो सेम होते हैं, कुछ जो है वो डिफरेंट इनमें पाए जाते हैं, जो एनिमल सेल में वो प्लांट सेल में नहीं है, प्लांट सेल में जो एनिमल सेल में नहीं है। तो ये सारा जो हम इस प्रकार का जो हम अध्ययन करते हैं उसको तो हम कहते हैं क्या साइटोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका, कोशिका की संरचना, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जितने भी सेल ऑर्गन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर उनके फंक्शंस के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे कहते हैं क्या साइटोलॉजी। दूसरी जो ब्रांच है जिसका नाम है जेनेटिक्स आनुवांशिकी,
और यहाँ जो वर्ड है वो है साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स का मतलब यही हुआ कि जो कोशिका की आनुवांशिकी है उसके बारे में अध्ययन करना। ठीक है, तो कोशिका के बारे में तो ये है कि कोशिका की स्ट्रक्चर वगैरह, उसके बाद हम बात करेंगे उसकी आनुवांशिकी के बारे में बात करना। तो सबसे पहले हम बात करें कि जेनेटिक्स है क्या, आनुवांशिकी है क्या। देखिए ये जो आनुवांशिकी जो शब्द है, वन वास का जो है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आनुवांशिकी शब्द किसने दिया था। तो ये जो टर्म है वो सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम है विलियम बैटसन। ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1906 के अंदर, ये साल जो है वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। क्या नाम है? विलियम बैटसन। इन्होंने सबसे पहले ये जो जेनेटिक शब्द जो है, टर्म्स जो है वो दी थी। अब हम बात करते हैं कि आनुवांशिकी है क्या। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हम ये देते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किस चीज का, एक तो हेरिडिटी और एक वेरिएशन। ठीक है, ज्यादातर हम इस वर्ड को काम में लेते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिकता, हेरिडिटी, ये क्या है, आनुवांशिकता, हेरिडिटी को क्या बोलते हैं, आनुवांशिकता। ठीक है, और वेरिएशन का मतलब है विभिन्नता। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये आनुवांशिकी की क्या है, डेफिनेशन है। अब वापस बात आती है कि ये हेरिडिटी क्या है। तो हेरिडिटी भी एक अलग से ही ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कह सकते हैं, या एक जनक से उसकी जो ऑफ स्प्रिंग जो है, जो संतति है, उसके अंदर इनका करेक्टर्स का क्या ट्रांसफर या ट्रांसमिशन, जिसको हम कह सकते हैं ट्रांसमिशन, जनक से उसकी जो संतति के अंदर करेक्टर्स जो लक्षण है उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, या हम कह सकते हैं जनक से संतति में क्या होना, संचरित होना, ट्रांसमिशन होना, ये क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है, और हेरिडिटी का जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं आनुवांशिकी या जेनेटिक्स। वेरिएशन की बात करें तो देखिए वेरिएशन जो है वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होती है। कोई भी स्पीसीज है, एनिमल स्पीसीज है, ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, कोई बर्ड्स की है, तो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग करेक्टर होते हैं, वो तो स्पीसीज की वेरिएशन हो जाती है। यदि हम बात करें किसी एक ही स्पीसीज में, एक ही जाति की जो एनिमल है या कोई भी है, ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उनके अंदर भी क्या होती है, वेरिएशन पाई जाती है, उनके अंदर भी विभिन्नता देखने को मिलती है। और ये विभिन्नता डिपेंड करती है किस पर, उनके करेक्टर्स पर, ठीक है, उनके जीन्स पर ये डिपेंड करती है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, एक जाति के अंदर भी कुछ ना कुछ वेरिएशंस जो है वो पाई जाती हैं, और उन वेरिएशंस का अध्ययन करना कि ये जो वेरिएशन है वो किस वजह से है, उसका अध्ययन करना जो है, स्टडी करना क्या कहलाती है, जेनेटिक्स कहलाती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम आनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं, वेरिएशंस का अध्ययन करते हैं। तो ये कुछ जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ बातें हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। फिर देखिए जो जेनेटिक्स है इसके अंदर जो मुख्यतः हम बात करते हैं वो करते हैं किसकी,
जीन के। जो मैन जो है वो हम किसकी बात करते हैं, जीन, जीन की हम चर्चा करते हैं। जो मुख्य रूप से इसके अंदर जिसका रोल है वो किसका है, जीन का। अब देखिए कुछ अलग अलग बातें हैं, जैसे कि एक तो है डीएनए, जिसको हम क्या कह देते हैं, डी ऑक्सी राइबोज एसिड, डी ऑक्सी राइबोज एसिड, इसको हम डीएनए कह देते हैं। फिर एक होता है क्या, क्रोमोसोम, गुणसूत्र। एक जो है वो क्या होता है, जीन। तो ये कुछ अलग अलग बातें हैं और इनमें कई बार हमें अंतर जो है वो पता नहीं होता, तो इस जेनेटिक्स के अंदर हम इन्हीं की मेनली जो है वो चर्चा करेंगे। देखिए जो साइटोजेनेटिक्स है इसको हम एक प्रकार से मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स कह सकते हैं। मॉलिक्यूलर का मतलब है इसके अंदर डीएनए का, या हम बात करें क्रोमोसोम का, या हम बात करें क्रोमोसोम, या हम बात करें किसका, इसका जीन का, क्या करते हैं हम स्टडी करते हैं। अब देखिए ये सारी एक ही बात है, जीन क्रोमोसोम डीएनए, लेकिन फिर भी इनकी जो नाम है वो अलग अलग है। डीएनए क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, जीन्स क्या है, ये सारी हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ ये दो तीन बातें, पहला तो पेपर का नाम क्या है ये आपको याद रखना है, साइटोजेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग इवोल्यूशन एंड बायोस्टेटिस्टिक्स, ये अपना थर्ड पेपर है। और इस थर्ड पेपर के अंदर हम ये चार पॉइंट है जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला जो टॉपिक है उसका नाम है साइटोजेनेटिक्स, जिसके अंदर हम साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान और साथ ही साथ उस कोशिका की आनुवांशिकी जिसको बोलते हैं जेनेटिक्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और फिर हमने ये डेफिनेशन बात की कि जेनेटिक्स है क्या, सबसे पहले ये किसने दिया था, विलियम बैटसन ने ये दिया था। उसके बाद इसके अंदर हम बात करते हैं हेरिडिटी और वेरिएशंस का अध्ययन करना। फिर हमने बात की थी कि व्हाट इज हेरिडिटी, ये जो आनुवांशिकता है वो क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो पेरेंट होते हैं उनके जो करेक्टर्स हैं उनकी ऑफ स्प्रिंग के अंदर आना या संतति के अंदर जाना, ये क्या कहलाता है, हेरिडिटी या अनुवांशिकता कहलाती है। तो हम इस अनुवांशिकता पर डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे कि फादर ऑफ हेरिडिटी अनुवांशिकता का जो जनक जो है या जेनेटिक्स का जो जिसको हम कहते हैं वो कौन है, ग्रेगर जोहान मेंडल के बारे में चर्चा करेंगे। इस आनुवांशिकी से रिलेटेड, आनुवांशिकता से रिलेटेड मेंडल ने अपने कुछ लॉज दिए थे, उन लॉज के बारे में भी चर्चा करेंगे और बहुत सारी बातें हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, नमस्कार।